एक बार की बात है, शांतिपुर स्कूल के बच्चे मनाली ट्रिप से वापस आ रहे थे। रात का समय हो चुका था। टीचर्स और बच्चों ने ट्रिप पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था और वो अब सभी बस में आराम से सो रहे थे। बस सुनसान सड़क पर अंधेरों को चीरते हुए दौड़ रही थी। कुछ दूर बस चलने के बाद रुक जाती है क्योंकि अचानक मौसम खराब हो जाता है। अनीता मैम, अचानक मौसम को क्या हो गया? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अनीता मैम, अब क्या होगा? अरे बच्चों, डरो नहीं। मुझे तो लगता था कि मेरे क्लास के बच्चे बहुत निडर हैं, बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, लेकिन तुम तो बिजली की कड़कड़ाहट से ही इतना डर गए। कुछ नहीं हुआ, बस मौसम ही तो खराब है, अभी ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बच्चों, डरने वाली कोई बात नहीं। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसी बारिश कभी कभी देखने को मिलती है। चलो हम मौसम का मजा लेते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं ताकि हमारा समय आसानी से कट जाए, ठीक है? और इस तरह दोनों टीचर्स बच्चों को खेल में लगाती हैं ताकि वो बच्चे सुनसान सड़क पर अंधेरी रात में बस में बैठे हुए डरे नहीं। बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है और बस अब दोबारा से फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ने लगती है। कुछ दूर बस चलने के बाद मोनिका अनीता मैम से कहती है, अनीता मैम, मुझे वॉशरूम जाना है। अगर मैं अभी वॉशरूम नहीं गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अनीता मैम प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है। बस को रोकिए, मुझे वॉशरूम जाना है। मोनिका, होटल से निकलने से पहले मैंने सब बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि जिसे वॉशरूम जाना है, जिसे फ्रेश होना है वो जाए। बस में बैठ कर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने वही किया जो करना था। अब आधी रात को मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? अनीता मैम, कुछ भी कीजिए प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है। प्लीज मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, ड्राइवर भैया बस को जरा साइड में लगाओ, तुम चलो मेरे साथ। अनीता मैम और मोनिका दोनों बस से नीचे उतर जाती हैं और अनीता मैम मोनिका को जंगल में लेकर जाती हैं ताकि वो फ्रेश हो सके। कुछ समय बाद मोनिका और अनीता मैम वापस आ रही थी। तभी मोनिका को ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई आ रहा हो। पायल की छम छम आवाज आ रही थी। अनीता मैम मोनिका से आगे चल रही थी। तभी मोनिका अनीता मैम को आवाज लगाकर कहती है, अनीता मैम रुकिए, आप इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रही हैं? आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अनीता मैम रुकिए ना। मोनिका जोर जोर से अनीता मैम को आवाज लगा रही थी, लेकिन अनीता मैम मोनिका की एक नहीं सुनती और वो तेज तेज कदमों से आगे चल रही थी। तभी मोनिका को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। मोनिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जैसे ही डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। अनीता मैम, यह आपकी आंखों को क्या हुआ है? अभी तो आप मुझसे आगे चल रही थी और अब आप मेरे पीछे और इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? अनीता मैम, आपको क्या हो गया है? आप मेरे पीछे कब आई? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई और चल रहा हो, लेकिन आप और आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। मोनिका, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी आंखों को क्या हुआ है? और मुझे यह बताओ कि तुम बस से नीचे क्यों उतरी थी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे कितना समय हो गया? अनीता मैम, मुझे वॉशरूम जाना था और आप ही तो मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो मोनिका, आधी रात हो रही है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं। बस में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो यहाँ से।
मोनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनीता मैम ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। कुछ समय बाद अनीता मैम और मोनिका बस में जाकर बैठ जाती हैं। बस थोड़ी दूर ही चलती है तभी पिंकी जोर से चिल्लाती है, पिंकी क्या हुआ, तुमने इतनी जोर से चीख क्यों मारी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सुझाता मैम, मोनिका ने मेरे हाथ में बहुत जोर से काटा है। मोनिका तो पागल हो गई है क्या, तूने मेरे हाथ में इतनी जोर से क्यों काटा, देख तो मेरे हाथ से कितना ज्यादा खून निकल रहा है। और ये क्या, मेरे हाथ पर तेरे काटने के बाद ये कीड़े क्यों चल रहे हैं? सुझाता मैम देखिए ना, मोनिका के काटने के बाद मेरे हाथ पर ये क्या हो गया, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पिंकी तुम्हें और कोई समय नहीं मिला था मजाक करने का, ना ही तो तुम्हारे हाथ पर मोनिका ने काटा है, ना ही तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है और ना ही तुम्हारे हाथ पर कीड़े चल रहे हैं, तुम्हें हो क्या क्या है और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये समय मजाक करने का नहीं है, एक तो पहले ही यह रास्ता इतना लंबा हो गया कि अभी तक हम घर नहीं पहुँचे और तुम मजाक कर रही हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और देखिए मेरे पूरे हाथ पर कीड़े चल रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ से खून भी निकल रहा है, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? सुझाता मैम, अनीता मैम, मोनिका की आंखें तो देखिए, इसकी आंखें कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। पिंकी तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें बीच रास्ते पर अकेला छोड़कर चली जाऊंगी, समझ गई? पिंकी के पूरे हाथ पर कीड़े चल रहे थे, उसके हाथ से खून टप टप बह रहा था, लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स को टीचर्स को उसके हाथ पर कीड़े और खून टपकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद पिंकी को मोनिका की आंखें नजर आती हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। पिंकी बहुत ही ज्यादा डर रही थी और ऊपर से कोई उसकी बात पर विश्वास भी नहीं कर रहा था और मोनिका दूर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। तभी पिंकी देखती है कि मोनिका दूसरे स्टूडेंट के हाथ में भी काटने वाली है। तभी पिंकी मोनिका को धक्का दे देती है। पिंकी की बच्ची, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? सुझाता मैम, अनीता मैम देखिए ना, पिंकी मुझे मार रही है। अनीता मैम, सुझाता मैम, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने अभी मोनिका को अपनी आंखों से देखा, यह जोर जोर से हंस रही थी और इसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी और इसके बाल हवा में उड़ रहे थे, ये बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, और जैसा इसने मेरे हाथ में काटा बिल्कुल वैसे ही सपना के भी हाथ में काटने जा रही थी, आपको मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मोनिका जब से वापस आई है ये बहुत अजीब लग रही है, ये तो मोनिका लग ही नहीं रही। सुझाता मैम यह ऐसे नहीं मानेगी, ड्राइवर भैया बस को रोकिए, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सुझाता मैम, सिर्फ डराने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसा कहकर अनीता मैम पिंकी को डराने के लिए बस से नीचे उतार देती हैं। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर वहां आसपास कोई भी नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ जानवरों के दहाड़ने की आवाज आ रही थी, दूर दूर तक सिर्फ घोर अंधेरा था और ऐसी जगह अनीता मैम पिंकी को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। पिंकी जोर जोर से चिल्लाती है, अनीता मैम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे यहाँ सुनसान सड़क पर अकेला क्यों छोड़ा? अनीता मैम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? बस मैं मोनिका जो है वो मोनिका नहीं, वो कोई और है, वो भूत है, छलावा है, चुड़ैल है, लेकिन मोनिका नहीं, वो मोनिका नहीं है। पिंकी बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी टीचर उसे सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर जा सकती हैं। कुछ समय बाद उसे वहां जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, चीखने की आवाज आती है, पिंकी को लगता है जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। देखो तुम जो कोई भी हो मेरे पास मत आना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, देखो देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना।
पिंकी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन पिंकी को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। पिंकी अपने स्कूल बस के पीछे भागती है और वो भागते भागते अपने स्कूल बस के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। अनीता मैम, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है वो रास्ता कितना ज्यादा डरावना था। अगर मैं वहाँ से समय रहते नहीं आती तो अब तक मैं उस भूत का शिकार हो जाती। पिंकी बार बार अनीता मैम से सवाल कर रही थी, लेकिन अनीता मैम बड़ी बड़ी आंखें कर पिंकी को ही देख रही थी, जैसे वो सदमे में चली गई हो। और कुछ समय बाद बस के अंदर से सभी स्टूडेंट्स और सुजाता मैम भी उतरकर आ जाती हैं, और वो सभी पिंकी को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके सामने पिंकी खड़ी है, क्योंकि पिंकी तो पहले से ही उनके साथ बस में बैठी हुई थी। अपनी हम शक्ल को देखकर पिंकी भी हक्की पक्की रह जाती है। बाप रे बाप, दो दो पिंकी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कौन हो और तुमने हमारी बस को क्यों रोका? क्या पिंकी तुम्हारी जुड़वा बहन है? मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है, मैं पिंकी हूँ। मुझे इसका नहीं पता ये कौन है। यह सब छलावे का खेल है, तुम सब छलावे के चंगुल में फंस चुके हो। जिस बस में तुम बैठे हुए थे उस बस में छलावा था, और तुम सब छलावे के जाल में फंस चुके हो। अब उसके जाल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम में से कोई भी छलावा हो सकता है, कोई भी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि असली छलावा कौन है, और तुम एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाओगे, और छलावा यह तमाशा देखकर बहुत खुश होगा। तुम्हें छलावे से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। वहाँ सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत अचानक से आ जाती है, और वो उन्हें बताती है कि स्कूल बस में छलावा था और वो सब छलावे के जाल में फंस चुके हैं। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सब डर जाते हैं, और अचानक पिंकी की हमशक्ल वहाँ पहले से ही थी, मोनिका की हमशक्ल हो जाती है, अनीता मैम की भी हमशक्ल हो जाती है, और सुजाता मैम की भी हमशक्ल हो जाती है, और उन सब की आँखें लाल, डरावनी, खतरनाक, भयानक चमक रही थी, और वो सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, और वहाँ स्कूल के सभी बच्चे उन्हें देखकर थर थर कांपने लगते हैं। अम्मा जी, ये अचानक क्या हो गया? अब हम कैसे पता करें कि असली छलावा कौन है? अब हम छलावे के चंगुल से कैसे बचेंगे? अम्मा जी हमें छलावे से बचा लीजिए, अम्मा जी हमें छलावे से बचा लीजिए। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें किसी भी तरह इस जगह से निकलना होगा। और हाँ, तुम भूल कर भी स्कूल बस में तो बैठ मत जाना। हाँ, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद मेरी एक कुटिया है, मैं तुम्हें वहाँ जगह दे दूंगी। सुबह होने के बाद देखते हैं कि क्या करेंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो सभी बच्चे बस को देखकर भी डर रहे थे, और वो सुजाता मैम, अनीता मैम, मोनिका और पिंकी से बात नहीं करते, उनसे दूर दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से असली छलावा कौन है। और वो मौका देखकर उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, और उस बूढ़ी औरत ने जो जगह बताई थी वहाँ पहुँच जाते हैं। उस बूढ़ी औरत की वह झोपड़ी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो झोपड़ी के अंदर जाते हुए डर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो सभी स्टूडेंट्स डरते डरते झोपड़ी के अंदर पहुँच जाते हैं, और वो जैसे ही अंदर जाते हैं अंदर का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। अनीता मैम, सुजाता मैम, मोनिका, पिंकी, तुम चारों अगर यहाँ इस तरह से रस्सियों से बंधे हुए हो तो वहाँ वो कौन है? और वो बूढ़ी औरत वो कौन थी जिसने हमें छलावे की कहानी सुनाई? वही तो छलावा है। वो बुढ़िया छलावा है? उसने तो हमसे कहा था कि बस में छलावा है, लेकिन हमने तो उस बुढ़िया औरत को बस में देखा ही नहीं। वो हमारे बस में कब आकर बैठी?
जिस समय मौसम खराब हुआ था वो छलावा उसी समय हमारी बस में आकर बैठा था। जहाँ हमारी बस रुकी हुई थी उस सड़क किनारे पर एक छलावा रहता था और उस छलावे को इंसानी खुशबू आई और वो हमारी बस में आकर बैठ गया। उसने हम सबके साथ एक खेल खेला, पहले मोनिका को शिकार बनाया फिर अनीता मैम को, और इस तरह वो हम सबके साथ खेलता रहा और लास्ट में उसने हम सबको अपने जाल में फंसा लिया। अब वो हम सबको इकट्ठा कर हम सबको एक साथ शिकार बनाना चाहता है। तो तुमने मेरी कहानी अपने बच्चों को सुना दी। तुम सबका छलावे की झोपड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कब से इंसानों का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई भी उस रास्ते से गुजरता ही नहीं था। शायद तुम नए थे, तुम्हें पता नहीं था कि उस सड़क किनारे छलावा रहता है और छलावे के चंगुल से कोई बच कर नहीं निकलता। तुम सब मेरे शिकंजे में फंस चुके हो। अब मैं तुम सबको अपना शिकार बनाऊंगी और शक्तिशाली हो जाऊंगी। छलावे को अपने सामने देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, और वो छलावा जोर जोर से हंस रहा था और वो उन सबको रस्सियों से बांध देता है और सही समय का इंतजार करता है। और वो बूढ़ी औरत एक जगह तपस्या करने बैठ जाती है और वो किसी के आने का इंतजार करने लगती है। ये छलावा किसी का इंतजार कर रहा है, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा वरना हम छलावे से कभी नहीं बच पाएंगे। दोनों टीचर्स और वो सभी स्टूडेंट्स छलावे से बचने का उपाय ढूंढने लगते हैं। तभी मोनिका को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो सबकी रस्सियाँ खोल देती है और उसके बाद सभी दबे पैरों उस झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। और वो छलावा अभी भी तपस्या करने में व्यस्त था और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स और वो टीचर्स दुम दबाकर वहां से भागकर आ जाती हैं और वो सड़क किनारे पर का इंतजार करती हैं। कुछ समय बाद एक बस आ जाती है और वो सब उस बस में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हैं कि वो छलावे के जाल से बच गए। लेकिन अभी किसी को ये पता नहीं था कि वो छलावे के जाल से बचे हैं या फिर उसके जाल में फंसे हैं।